नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज 23 नवंबर 2019 है और 23 नवंबर 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला में राज्य का पहला सिपाही चालकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है? तो राज्य का पहला सिपाही चालकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है भागलपुर में। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस ट्रेनिंग स्कूल के पहले बैच में 750 सिपाहियों की ट्रेनिंग शुरू की जा चुकी है और 180 दिन के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये शुरू किया गया है भागलपुर में। तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं भागलपुर कहाँ पे है। तो ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा आपका भागलपुर। भागलपुर जिला का सीमा और किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए, कटिहार है, पूर्णिया है, मधेपुरा है, खगड़िया, मुंगेर और बांका है, ठीक है। कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर और बांका 6 जिला से सटा हुआ है। नाम आया भागलपुर का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भागलपुर जो है ये भागलपुर प्रमंडल में आता है, मुख्यालय इसका भागलपुर ही है। क्षेत्रफल है 2570 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या इसका 30,37,766 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व हो गया 1,182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भागलपुर का साक्षरता दर है 67.14%। लिंगानुपात है 880 महिला प्रति 1,000 पुरुष। यहाँ का प्रमुख NH जो है NH 31 और NH 80 है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है जिसका स्थापना 1991 में हुआ था। और भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर में फल अनुसंधान संस्थान है। भागलपुर तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर के कहलगांव से भेन सांग जो कि चीनी यात्री थे ताम्रलिप्ति की यात्रा प्रारंभ किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल जो कि पालवंश के थे। 1855 में सिद्धू कानू चांद भैरव 4 भाइयों ने मिलकर भागलपुर में संथाल विद्रोह किया था और 1855-56 में संथालों ने भागलपुर राजमहल में अपनी सरकार की घोषणा की थी। भागलपुर राजमहल और राजमहल को दमन एकोह के नाम से भी जाना जाता था। और दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कि 9 और 10 अप्रैल 1909 को हुआ था वो भागलपुर में ही संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की टीम कितने दिनों के दौरे पर बिहार आई है? तो विश्व बैंक की टीम 2 दिन के दौरे पर बिहार आई है। विश्व बैंक के द्वारा जितने भी लोन फाइनेंस किया गया है बिहार सरकार को और जिस कार्य के लिए लोन फाइनेंस किया गया है उसी की देखरेख में विश्व बैंक की टीम बिहार आई हुई है जो कि 2 दिन के दौरे के लिए आई हुई है। अब नाम आया है विश्व बैंक का, तो चलिए इसके बारे में आते हैं। विश्व बैंक का स्थापना जुलाई 1945 में हुआ है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन है और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपाश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जल संचय इकाई है? तो बिहार के नवादा जिले में सबसे अधिक जल संचय इकाई पाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नवादा जिले में 14,154 जगहों पर पानी के स्रोत हैं और दूसरा स्थान पर मधुबनी आया है जहां पे 12,525 पानी के स्रोत हैं, ठीक है। अब नामा प्रथम स्थान पे है नवादा, तो चलिए फिर बिहार के मैप में देखते हैं नवादा जिला कहाँ पे है। तो ये आ गया आपका बिहार का मैप और ये रहा आपका नवादा, नालंदा के जस्ट नीचे। नवादा जिला और किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए, गया है, नालंदा है, शेखपुरा है और जमुई है, ठीक है। अब नाम आया है नवादा का, तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं, ठीक है। नवादा जो है ये मगध प्रमंडल में आता है। मुख्यालय इसका नवादा हो गया। क्षेत्रफल है 2,494 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 22,19,146 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व हो गया 890 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 59.76%। लिंगानुपात है 939 महिला प्रति 1,000 पुरुष। नवादा का प्रमुख नदी सकड़ी नदी हो गया, प्रमुख फसल धान हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या से निकली श्री राम की बारात का किस जिला में भव्य स्वागत किया गया है? तो अयोध्या से श्री राम की बारात निकाली गई थी जो कि बिहार के बक्सर जिला में पहुंचा है और जहां पे इसका भव्य स्वागत किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब नाम आया है बक्सर का, तो चलिए फिर बिहार के मैप में देखते हैं बक्सर कहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आ गया आपका बिहार का मैप और ये रहा बक्सर कैमूर जिला से ऊपर में। बक्सर जिला का सीमा और किस किस जिला से सटा हुआ है? तो भोजपुर, रोहतास और कैमूर से सटा हुआ है। अब नाम आया है बक्सर का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं। बक्सर जिला का स्थापना 11 मार्च 1991 के हुआ था। क्षेत्रफल हो गया 1703 वर्ग किलोमीटर।
जनसंख्या है 17,06,352 व्यक्ति और जनसंख्या घनत्व है 1,002 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 70.14% और लिंगानुपात है 922 महिला प्रति 1,000 पुरुष। बक्सर में चौसा नामक स्थान है जहाँ पे चौसा का युद्ध हुआ था और जो कि 25 जून 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विधानसभा और परिषद में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्यय से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया गया है? तो 2019-20 के आय व्यय से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया गया है सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की प्रस्तावित राशि जो है वो कितना है, तो ये करोड़ों में है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। और वार्षिक स्कीम मद में सबसे अधिक जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वार्षिक स्कीम मद में 5,962.1114 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और साथ ही जल जीवन हरियाली के लिए 1689 करोड़ की मंजूरी भी दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला है? बिहार के नीरज कुमार और करमवीर यादव, दोनों को कांस्य पदक मिला है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, संसद में चल रहे शीत सत्र के दौरान बिहार के 55 रेल प्रोजेक्टों के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो बिहार के 55 रेल प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किया गया 4,093 करोड़ रुपया, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस अस्पताल को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए निजी अस्पतालों में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है? तो महावीर कैंसर संस्थान पटना, इसी को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए निजी क्षेत्र में, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बिहार कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो नेशनल बिहार कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने जीता है कांस्य पदक, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो हरियाणा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा क्रांतिकारी गांधीवादी बाबू देव शरण सिंह नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो क्रांतिकारी गांधीवादी बाबू देव शरण सिंह नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, रेल दुर्घटना के मामले में पूर्व मध्य रेलवे को कौन सा स्थान मिला है? तो रेल दुर्घटना के मामले में पूर्व मध्य रेलवे को मिला है दूसरा स्थान, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब पूर्व मध्य रेलवे का नाम आया, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हाजीपुर वैशाली जिला में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस नदी के किनारे जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा? तो बिहार में दोस्तों गंगा नदी के किनारे बनाया जाएगा जैव विविधता पार्क, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार में गंगा किनारे बसे सभी जिलों के उस क्षेत्र में जहां बाढ़ का पानी अक्सर आता है वहां जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यह आदेश दिया गया है। और यमुना नदी दिल्ली के तर्ज पर बनाया जाएगा जैव विविधता पार्क, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स, चलते हैं कल के रिवीजन के तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन था, देश के 100 विकासशील झीलों की सूची में बिहार का कौन सा झील शामिल हुआ है? तो कांवर झील शामिल हुआ है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अभी तक बिहार ने कितने बार गोल्ड मेडल जीता है? तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अभी तक बिहार ने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आज का रिवीजन का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय एशिया पैसिफिक ट्रिपल ई अवार्ड के लिए चुना गया है? और आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला में अश्वरोही सैन्य पुलिस का शताब्दी समारोह मनाया गया है? तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें खबरी एप्लीकेशन पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे प्रतिदिन इस वीडियो का ऑडियो अपलोड किया जाता है शाम में, जिसको सुनकर आप रिविजन भी कर सकते हैं। और खबरी ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए hamarabihar.ca और वहाँ पे चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आपको रोज़ नए नए पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।